होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज मोराबादी मैदान से लेकर राजभवन तक का मार्च होमगार्ड के जवानों ने किया। इसमें होमगार्ड के तमाम जो जवान हैं सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आज हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपेंगे। इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा कि होमगार्ड के जवानों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ नियमितीकरण को लेकर तमाम जो होमगार्ड के जवान हैं उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का भी सिलसिला शुरू किया था। आज इसी प्रकार तमाम जो होमगार्ड के जवान हैं वो राजभवन के समक्ष एकत्रित हुए और उनका कहना था कि इस बार हम लोग अपनी मांग को पूरा कर रहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हमने ज्ञापन सौंप दिया है। आइए सुनाते हैं कि मीडिया को संबोधित करते हुए होमगार्ड के जवानों ने क्या कुछ मांगों को मीडिया के समक्ष रखी है। तो बोले थे गद्दी में बैठने के पहले बोले थे कि नियमित ड्यूटी दिलाएंगे और हम लोग जैसे सरकार बने हैं कुर्सी पर जैसे बैठे हैं हम लोग को ना नियमित ड्यूटी मिल रही है ना ही हम लोग का सेवा मिल रही है। हम लोग के पीछे शोषण किया जा रहा है, होमगार्ड के पीछे शोषण किया जा रहा है और हम लोग पुलिस के साथ और आर्मी सबकी के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, लेकिन हम लोग काम करने में हम लोग पीछे नहीं रहते, लेकिन हम लोग को नियमित करते। हम लोग से सरकार के मांग है कि एक वर्दी और दो नियम दो कानून लागू करके रखे हुए हैं। सरकार अपनी सरकार बनाने से पूर्व वादा किए थे कि हमको सरकार बनेगी तो मैं पूरा करूंगी, लेकिन सरकार जिस प्रकार अपनी गद्दी पर बैठते ही अपनी मांग को अपनी बोलने वाली वक्त को भूल गए, वो वक्त भूल गए जब से ही उनका गद्दी मिला हम लोगों से और अपना वो समय आने का साथ वो भूल गए। वादा करते रहे, हम लोग बार बार आते और होमगार्ड के जवानों से जिंदाबाद का नारा लगाते रहे, लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया जो सरकार हमारी वक्त को भूलने के बाद हम लोगों को उनको वादा खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाना पड़ा। क्या क्या काम करते हैं आप लोग डिप्टी के दौरान? हम लोग CRPF पुलिस झारखंड पुलिस के साथ जो भी काम होता है जो भी उन लोग करते हैं सारा काम हम लोग से कराया जाता है। बल्कि कुछ ऐसे जवान भी होते हैं जिनको वैसा नहीं कर पाते, गरीब महिला है जो कुछ भुगतान पैसे नहीं दे पाते हैं, उन लोगों के आवास में रखा जाता है और बर्तन धुलाने का काम किया जाता है। कुछ जवानों से जो जवान अपनी वक्त के अनुसार पैसा नहीं दे पाते हैं, गरीब है और वो चार महीना दो साल तक बैठा दिया जाता है और पैसा लेकर उस आवास में रख लिया जाता है और बोला जाता है कि अब ऐसा जवान को हमको पास दीजिए जिसको हमारे पर घर का काम किया जा सकते है। ऐसा एक वर्दी में दो नतीजा हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक मैडम, आप आइए आइए। होमगार्ड जवान की मांगे हैं कि जो वादा माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव से पूर्व किया था उस वादे पर अमर करते हुए होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी दिया जाए और समान वेतन दिया जाए, साथ ही जो होमगार्ड जवान सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें एक मुश्त भुगतान दिया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आज के बाद क्या कुछ? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो दो महीने के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार तिवारी, प्रदेश महासचिव झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। बात देगा कि चलिए झारखंड सरकार जिंदाबाद, लेकिन अगर सरकार नहीं मांग पूरा कर रही है तो झारखंड सरकार मुर्दाबाद रहेगी और तब तक रहेगी जब तक होमगार्ड की मांग पूरी नहीं होगी। आपका परिचय? राजीव मुखर्जी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड होमगार्ड। दिवसीय कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेरा कार्यक्रम हम लोग सामने पूर्ण तरीके से रख रहे थे, लेकिन झारखंड सरकार जो है वो हमारे गिरिजनों को झारखंड के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को कहकर हमारे गिरिजनों को जिले में आंदोलन को विफल करने की कोशिश की ताकि राजधानी रांची में आकर के वो आवाज़ नहीं उठाए। ये सबसे बड़ी मतलब इस निंदनीय घटना है सरकार में। दूसरी बात, झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा झारखंड राज्य के गिरिजनों को समान काम समान वेतन का ऑर्डर दे दिया, कोर्ट के आदेश को भी सरकार नहीं मान रही है, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तीसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव पूर्व राजधानी रांची में घोषणा किया था होमगार्ड के बीच में, उसने ये कहा गया था कि हमें समर्थन करो और हमारी सरकार बिहार से अच्छा जो है वो रिजल्ट होमगार्ड को देगी। आज 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो गया, न बिहार के जैसा समान काम का समान वेतन दी गई, न ही बिहार के तरह गिरिजनों को रोजगार दिया गया, न ही बिहार के तरह वहाँ के गिरिजनों को रिटायरमेंट 1,50,000 मिलता, यहाँ के गिरिजनों को खुद कौड़ी नहीं मिल रही है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 3 वर्षों में सिर्फ अपना वेतन बढ़ाने के लिए आपकी सरकार आई है क्या? कि जब आपका अपना वेतन बढ़ाना हो तो रहते रहते आपका विधानसभा में सुबह में आपका पास और आपका वेतन, मैंने आप सबसे गरीब आदमी और होमगार्ड के जो जवान है वो सबसे अमीर आदमी है, उसे 3 वर्षों से आप लटका करके रखे हुए हैं।
ये बताने के लिए आज राजधानी रांची में हम एक दिवसीय कार्यक्रम को शांतिपूर्वक करने के लिए आए थे, लेकिन झारखंड के तमाम जिलों में प्रशासन के द्वारा हमारे गिरचकों को थाने में बंद कर लिया गया है, हमारे गाड़ियों को जब्त कर ली गई। तो ये सरकार में डर है कि सरकार नहीं चाहती है कि हम अपनी आवाज को रांची में आकर के बताए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करे। आप मिलना नहीं चाहते हैं, आप हमें आंदोलन करने नहीं देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? होमगार्ड को आप यहाँ से पलायन कराना चाहते हैं क्या? 20,000 होमगार्ड बहाल कर दिए, 10,000 होमगार्ड बैठे हुए हैं, 10,000 होमगार्ड में 90% होमगार्ड जो है झारखंड को पलायन करके दिल्ली बॉम्बे में कमाने के लिए चले गए।